सर जी मेरे पास पप्पू पहले आया देख के गया, पप्पू पहले आया देख के गया, ये बाबा ही सवेर दे का हाथ ला के बैठ आया, पहले देख के गया, सारा चाकी मार के गया, फिर उसके बाद चार बंदे को अपने ही मकान में बैठा करके इस मैक चर्च के नशा कराया इनको, इसको नशा करा करके चारों बंदे को, चारों बंदे को मेरी दुकान पर भेज दिया, आप चला गया कहीं पार्टी में, आप चला गया कहीं पार्टी में, चारों बंदों को मेरी दुकान पर भेज दिया, मेरी दुकान मार करके मेरा काउंटर पलट दिया, मेरी जेब से जो पैसे थे पैसे निकाल लिए, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मेरी जेब में पड़ा हुआ था। साहिलप्रीत सिंह कुछ नहीं भाई, पीती खादी लड़ाई हो गया डीए और पीती खादी है। अच्छा, मैं कोई चोरी करता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे के मेरे वीडियो बना देने। कितने रहने हो? सलान रोड मंदरला बाजार। साहिलप्रीत सिंह मेरा नाम नज़ाकत है साहब, मैं मूंगफली की रेड़ी लगाता हूँ 12-14 साल से, बाजार में किसी को ऐतराज़ नहीं है, पप्पू कहते थे रेड़ी नहीं लगाने दूंगा, मैंने बहुत तेरी खुशामद करी साहब, मैं कह रहा इधर रेड़ी नहीं लगाएगा तू, इधर लगाएगा तेरी उठवा दूंगा, चुकवा दूंगा, लुटवा दूंगा, मैं साहब बहुत तेरी खुशामद करता हूँ मगर मेरी चलती नहीं है साहब, मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ, मांग क्या, ये कहते हैं तेरी रेड़ी चुकवा दूंगा, इधर लुटवा दूंगा साहब, मुझे एक महीना हो गया आए हुए मगर रेड़ी नहीं लगाने दे रहे हैं साहब मुझे। सर मेरा नाम है शुभम है सर, ये मेरे पापा ने, इन्हों की निक्की जी दुकान है सर, आ साडा गवांडी है पप्पू, ये चार मुंडे है सर, इन्होंने जीना आराम किया है, 10 साल तो हो गए मैं, मेरी सर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, मैंने हमेशा टेंशन लगी रही, मेरे पापा करन की दस बजे राती घर नहीं ना छेती आते, एक मिनट बाद दिल साडा हौला पैंदा रहिंदा कि पता नहीं की हो जाएगा, रोज ये अज ये आए आ चार बंदे मिल के आए आ मेरे पापा आ, इन्हों का काउंटर पलटा गले पैसे कटे, इन्हों के चपेड़ा मारते मारते उतों तक घड़ीस के लै गए, दसो हूँ मैं की कर, मैं प्रशासन तो भी तंग आ गया, मेरी पुलिस कितने कोई सुनवाई नहीं करती, मैं जिते भी जाता हर जगह मैं धक्के मिलते हैं, मेरा ऑलरेडी डीसी साहब को केस आ, उन्होंने भी कुछ कहते फैसला करा देंगे, कोई साढ़ा फैसला नहीं कर, कोई इन्हों डकदा नहीं पाया, इन्होंने साड़ी प्रॉपर्टी का कब्जा लिया उपर साढ़े गले जो पैसे ला दें, तो सर दारू पी के लड़ना आए आप, पप्पू जा पप्पू है सारा कुछ काम करवा जी, सिर्फ इतने जो भइए है ना, जो इतने मूंगफली वाला हो गया, कोई आइसक्रीम वाला हो गया, कोई अही हो गया, सिर्फ साढ़े को पैसों की डिमांड करते, जो इतने रहना वा तो सू हफ्ते हफ्ते 1,000-5,000-10,000 दया करो, मैं दुकान पापा कल देखा, पापा नु देखा उथे चार बंदे मिल के कुड़दे पए, एडे एडे वड्डे वड्डे सारे शरीर, एडे एडे मोटे बंदे, कल एक बुजुर्ग बंदे नु कुड़दे पए, अज भी पैसे कट के लै गए इन्हों की जेब चो, हाँ जी पुछा सी, कहना कि मैं मंदिर वाले बाजार का रहने वाला वा, बाकी इस तुम तो कुछ दस नहीं जानते, सिर्फ इतने लिया अंदर पाते हैं, उन्होंने चंगी तरह रजा के कहें जाओ भैया चपेड़ा मारो रज के, तो वो जिन्ने पैसे खोलो, पप्पू का मुंडा है छोटा, लिया सारे सिर्फ आम पार्टी आम पार्टी का सपोर्ट करके ना सिर्फ इन्होंने हाथ चुकी हुई है, हूं कहना उन्होंने मुंडा कहना मैं कौंसलर बन गया, कहना तेरी दुकान नहीं मैं रहा, कहना मैं जितने कौंसलर बैठ गया लवली, मैंने कहना मैं तेरी दुकान रहा दूंगा ता करी, मैं कितने जावा, मैं गरीब बंदा, मैं पॉलिटिक्स पावर सर, ताइयों इन्नी दरखास्त हो गई सर, कितने कोई सुनवाई नहीं, केड़ा यह जहाँ दरवाजा आप नहीं खटखटाया, हर जगह हो गया आप, सर प्रशासन तो सिर्फ यही मांग करते हैं कि जो अभी देखो गरीब बंदे हैं, सिर्फ सूँ एदा बंद छुटकारा चाहिए वा, योजे बंद क्यों नहीं तुम कार्रवाई करते, एडा कानून बनया वा, कानून कि बनया वा, अही चाहते हैं साड़ी कोई गल सुनते नहीं है, एदा आराम कहते करिए तो करिए, केंद्र वह पीता तो पीता तो पीते बंद तो कोई कार्रवाई नहीं करता, इंसाफ नहीं मिलेगा तो धरना देवे थाने बार। मेरा नाम अमर बहादुर है सर जी, मेरा नाम अमर बहादुर, तेजनगर चौक से चौक में मेरी दुकान है, एक छोटी सी पान की दुकान है, किराना जनरल स्टोर है, कोमल किराना जनरल स्टोर के नाम से है सर जी, मेरे पास पप्पू पहले आया देख के गया, पप्पू पहले आया देख के गया,
बाबा जी सवेर दे घात ला के बैठा आया, पहले देख के गया, सारा चाके मार के गया, फिर उसके बाद चार बंदे को अपने ही मकान में बैठा करके इस मैक चर्च के नशा कराया इनको, इसको नशा करा करके चारों बंदों को मेरी दुकान पर भेज दिया। आप चला गया कहीं पार्टी में, चारों बंदों को मेरी दुकान पर भेज दिया, मेरी दुकान मार करके मेरा काउंटर पलट दिया, मेरी जेब से जो पैसे थे पैसे निकाल लिए, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मेरी जेब में पड़ा हुआ था, 50-60 हज़ार के अंदर ही था, मैंने 50-60 हज़ार के अंदर ही मेरे जेब में पड़ा था, तो मेरी जेब से पैसा निकाल लिए, पैसा निकाल के चार बंदे मेरे को मारते हुए वहाँ सुंदर की दुकान, क्या कहते हैं उसकी, ATM तक ले गए और सारे दुकानदारों को गालियाँ कटने लगे, जरा तेलू बचाने वाला है सामने आके दिखावे, कोई तुमको बचा नहीं सकता, तुम्हें आज जान से मार डालेंगे आज। चार बंदे थे, पप्पू पुत्र सोनू है, सोनू ने ही चारों बंदों को लेके आया था, तीन अज्ञात व्यक्ति थे और एक सोनू था, चार बंदे थे। हाँ पहले भी सर जी, पहले भी मेरे दुकान में लूट खो कहिए हैं, एक बार मेरी दुकान को साड़ दिए हैं, मेरी दुकान को जला दिए हैं, मेरी दुकान थी पान की दुकान थी छोटी सी, पहले भी तो कई बार हमला कर दिया। हाँ पहले भी मेरे पास कई बार, एक बार मेरे पास 1 लाख रुपए मांगे थे सर जी, मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने बोला था कि अगर तूने पैसे नहीं दिया 2-4 दिन के अंदर में तुम्हारी दुकान को साड़ देंगे। पुलिस कंप्लेंट की थी सर जी, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर जी, उसके बाद मैंने वो रिकॉर्ड अपने पास नहीं रख पाया था। आज हमारे पास 11:30 बजे लमसम आए थे सर जी, 11 बजे, हमारे टाइम फिक्स नहीं पता सर जी, टाइम का पूरा फिक्स नहीं, 10-11 बजे 11:30 बजे लगभग ऐसे बीच में आए थे। कितने पैसे लगे चलेंगे? मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये के बीच में था मेरे पास। और मारा भी आपको? मेरे को सर जी मारते हुए रोड पर पूरा वहाँ तक लेके गए, ATM तक ले मारते हुए, मेरी दुकान में से मेरे को खींच करके मारते हुए ATM तक ले गए, मेरे को बहुत मारे, चार बंदे मिल करके मारे हुए हैं सर जी, चारों बंदे मेरे को मिलकर मारते, कहते थे यार तेन जानो मार देने, लड़ाने नहीं देना तेन, ये सिर्फ पैसे मांगते हैं सर जी, पैसे नहीं पाते हैं तो मैंने जानो मारने की धमकियां देते हैं, मैंने मारते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं सर जी मेरे को न्याय दिलवाया जाए, या पप्पू के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, पप्पू जो है अपने आप को कहता मैं कानून का बहुत खिलाड़ी हूँ, मेरे को वो अपना सारा सबूत मिटा देता, मेरे पास 2-3 बार मैंने कैमरा लगाया था, वो मेरे कैमरे भी तोड़ दिए हैं। हाँ जी हाँ जी, यही भेजता सर जी मुंडे नु, पप्पू ज्वेलर्स लिखा, पप्पू ज्वेलर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो काम ताबे का करता है, वैसे पप्पू ज्वेलर्स लिखा हुआ है अपने दुकान पे। रंजीत साली मेरी कोई नहीं है सर, सिर्फ मेरे पैसे की मांग होती है, सिर्फ शुरू से ही पैसे की मांग होती, कहता जब तुम पैसे नहीं देगा तो हम तुम्हें जानो मार देंगे, तुमको यथे रहने नहीं देना। मतलब मेरा नाम ASI जसबीर सिंह, 112 के काल गई ही, इतने कोई बंदे फड़े आ जेडे लुट खोह की नीयत ना आए, वो अं फड़ ले इन्हें फटाते नाल पब्लिक ने बिठा लिया, इन्हू लै चले पुलिस स्टेशन, ये दसते आ भी तीन चार बंदे, एक बंदा फड़ लिया वा, 2-3 बंदे हो रहा वो भी पप्पू मकान ट्रेस हो जाएंगे वो भी फड़ लेंगे, इन्होंने दसन मुताबक इन्होंने हाथ पाया कैश में, इन्हों के दसन मुताबक कैश कुछ न हाथ पाते आके तो इन्हों वेख लेंगे की ये तेज नगर चौंक आ। खुदा दे कर देर है पर हनेर नहीं, मुसलमानी रूहानी अते काले इलम दे माहिर मियां फरीद अली, संपर्क करो 98-569-31-603, 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल पाओ, पति पत्नी विच झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा, खुया प्यार वापस पौना, तलाक केस विदेश विच पक्का होना, गुप्त वशीकरण करवाओ, मन चाह प्रेमी प्रेमिका अपने वस विच करो, लाटरी नंबर पाओ 649 होवे चलो टो मैक्स, प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो।